हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज का हमारा वीडियो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से अब तक एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पर बेस्ड है। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 18 क्वेश्चंस देखे थे। उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे, और अगर क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा होता है तो हम थर्ड वीडियो में भी आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी एनवीएस केवीएस DSSSB जीआईसी एलटी ग्रेड ऐसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि थ्योरी सेक्शंस के बाद आपको पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये हमेशा एडवाइजेबल होता है। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड इज़ टेम्परेरली स्टोर्ड इन। तो इंसेक्ट्स में फैट बॉडी सेल्स होते हैं जो कि हीमोसील में प्रेजेंट होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें से यूरेट सेल जो होता है उसी का काम होता है यूरिक एसिड को स्टोर करना, ठीक है। इसलिए यूरेट सेल्स का जो फंक्शन है वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरिक एसिड इज़ टेम्परेरली स्टोर्ड इन फैट बॉडीज़, ठीक है। इन फैट बॉडीज़ में भी आपका यूरेट सेल होता है जहाँ पर यूरिक एसिड स्टोर होती है। इस तरह के एक्सक्रीशन को कहा जाता है स्टोरेज एक्सक्रीशन, इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक लंग्स आर फाउंड इन। तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लास एरेकिनिडा की जो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है वो होती है बुक लंग्स। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्कॉर्पियन। अगर स्पाइडर दे तो भी आपका करेक्ट होगा आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द लाइफ ऑफ सिमेक्स इज, सीमेक्स यानी कि आपका बेड बग यानी कि खटमल, ठीक है। तो इसी की लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेड बग आपका ऑर्डर हेमनोप्टेरा का मेंबर है, और ये एक एक्टोपैरासाइट है जो ह्यूमन ब्लड पर फीड करता है। बेड बग या खटमल नॉर्मली कॉट, मैट और दरी इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं। इनकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फीमेल जो है वो एग ले करती है इन क्रिविसेस या क्रैक, वॉल के क्रैक या फर्नीचर के क्रैक के अंदर, जो कि सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनमें से एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बाहर आता है जिसको कहते हैं निम्फ, ठीक है। यानी हैचिंग होती है एग की और निम्फ बाहर आता है। ये जो निम्फ है ये आपका एग्जैक्टली अडल्ट की तरह ही दिखता है, लेकिन छोटा होता है साइज में बस। और इसके बाद होती है 5 times मोल्टिंग होती है, जिसके बाद अडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एग, निम्फ एंड अडल्ट। इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि बेड बग जो होता है वो ट्रांसमिटिंग ऑर्गेनिज्म है कुछ डिसीजेस का, जैसे काला आजार, रिलैप्सिंग फीवर, प्लेग, टाइफाइड एंड टीबी। बेड बग को किल करने के लिए जो नॉर्मली इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है वो होता है DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल टाइक्लोरोइथेन। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंसेक्ट्स जुविनाइल हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय। तो आपका इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में होती है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू प्यूपल स्टेज। यानी कि सबसे पहले आपका एग ले होता है और वो आपका लार्वा में कन्वर्ट होता है, प्यूपल स्टेजेस से होते हुए वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। यानी एक तरह से इनके लाइफ साइकिल का डेवलपमेंट है। तो इसी चीज़ को कैरी आउट करने के लिए, यानी कि यही मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए, इनमें दो तरह के हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, ठीक है। पहला है आपका इग्डाइसोन और दूसरा है जुविनाइल हार्मोन। अब इग्डाइसोन जो है वो प्रोथोरैसिक ग्लैंड से सेक्रेट होता है, इसलिए इग्डाइसोन को PTH हार्मोन यानी कि प्रोथोरैसिक ग्लैंड हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका पहला हार्मोन। और जो दूसरा है वो है जुविनाइल हार्मोन, जो कि सेक्रेट होता है बाय कॉर्पोरा अलाटा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्पोरा अलाटा। जुविनाइल हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय कॉर्पोरा अलाटा, ठीक है। अगर यहीं पे एग्डाइसोन होता तो उसका करेक्ट आंसर होता प्रोथोरैसिक ग्लैंड। विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड। तो इंसेक्ट्स की जो प्रोक्यूटिकल होती है वो एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ से एक थिन वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट सब्सटेंस से कवर होती है, जिसको कहते हैं काइटिन। तो ये जो काइटिन होता है यही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोडा का, जो उनके बॉडी को रिजिडिटी यानी कि मजबूती, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, वाटर रेसिस्टेंस, वाटर से बचाव, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। इसी क्यूटिकल की ही वजह से ये सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं लैंड के, ठीक है। तो यही रीज़न है कि ये बिगेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम के।
तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काइटिनस क्यूटिकल एनेबल्ड आर्थ्रोपोडास मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड। आई होप मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मोस्टली इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के साथ होता है, लेकिन मैं हिंदी का भी सहारा लेती हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ सकें। देखिए बायोलॉजी में जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो मैक्सिमम आपका इंग्लिश में है, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। तो जो एक हम लोगों का कनेक्शन होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, उसको मैं हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन क्लास। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एराकनिडा। एराकनिडा के मेंबर्स हैं स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, जिसमें आपका रेस्पिरेशन होता है थ्रू बुक लंग्स और एक्सक्रीशन होता है थ्रू कॉक्सल ग्लैंड एंड मेलफ्यूजन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास होपर्स एंड एफिड्स इज। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा में मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि एग से लेकर के अडल्ट तक पहुंचने का जो डेवलपमेंटल स्टेज है, इसी को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में मोल्टिंग के थ्रू पहुंचते हैं। तो इस चीज़ को कैरी आउट करने के लिए इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो इसी बेसिस पे जो आपका मेटामॉर्फोसिस है, ये भी आपका 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। सबसे पहला है आपका ए मेटाबोलिस डेवलपमेंट या नो मेटामॉर्फोसिस, यानी कहने का ये मतलब है कि वो इंसेक्ट्स जिसमें लाइफ साइकिल में कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, कोई भी मोल्टिंग नहीं देखी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूली हैच क्रीचर है वो बिल्कुल भी अडल्ट की तरह से दिखता है, बस साइज में डिफरेंस होता है, जैसे कि आपका ह्यूमन बीइंग में। तो अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इस कैटेगरी में आपके आते हैं सिल्वर फिश, जिसको लेपिस्मा कहते हैं, स्प्रिंग टेल्स। तो इस ऐसे एग्जांपल्स अगर आए तो आपका जो आंसर है वो ए मेटाबोलस डेवलपमेंट या नो मेटामॉर्फोसिस। दूसरा है आपका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी जो आपका इमेच्योर स्टेज है जिसको निम्फ या नायाड्स कहा जाता है। इनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो ट्रैकियल गिल्स से होती है, जबकि अडल्ट में रेस्पिरेशन होता है थ्रू ट्रैकिया, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस यानी इनकम्प्लीटली मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है। इस कैटेगरी में आपके ड्रैगन फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज ये आते हैं। तीसरा है आपका ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, जिसे पोरो मेटाबोलिसिस डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो न्यूली हैच्ड क्रीचर है वो बिल्कुल अडल्ट की तरह दिखता है जनरल बॉडी से, ठीक है, लेकिन इसमें विंग्स और एक्सटर्नल जेनाइटल अपेंडिजेस नहीं होते हैं, ठीक है। जो इसमें यंग या निम्फ होता है वो बहुत सारे निम्फल स्टेज के थ्रू मोल्टिंग करता रहता है और बाद में अडल्ट में इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो इस कैटेगरी में आपका आता है ग्रास होपर, एफिड्स, स्टिंग बग, बेड बग्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इसी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस से है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास होपर्स एंड एफिड्स इज। तो अभी हमने ये पॉइंट देखा, ग्रास होपर्स और एफिड्स में जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसे पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और जो आपका फोर्थ मेटामॉर्फोसिस का टाइप है वो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेजेस से होके जाती है। पहला एग होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट, ठीक है। तो जो लार्वा होता है वो हैचिंग के बाद मोल्ड करता है कई बार और एक फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आते हैं आपके हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, मॉथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये 4 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन्स ओवर 0.75 मिलियन स्पीसीज इज। तो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा में मैक्सिमम एनिमल्स हैं, ये सबसे बड़ा ग्रुप है, और इसमें भी जो सबसे बड़ा आपका ग्रुप है वो है आपका क्लास इंसेक्टा, क्योंकि इसमें काइटिनस क्यूटिकल और जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इसलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा को मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल फाइलम माना गया है। तो ये आप जान गए कि सबसे बड़ा फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा, और उसमें भी जो सबसे बड़ा ग्रुप या क्लास है वो है इंसेक्टा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसेक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट फोल्ड इट्स विंग्स, यानी आपका कौन सा ऐसा कीट है जो अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है।
तो आपका ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है जो कि ऑर्डर ओडोनेटा से बिलोंग करता है। इसको मॉस्किटो हॉक्स भी कहते हैं क्योंकि जो मॉस्किटो होती है वो इनकी मेन डाइट होती है, यानी ये मेन फूड होता है इनका। इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग स्लेंडर पतली सी होती है। इनमें कॉम्पाउंड आइज होते हैं और दो पैर होते हैं विंग्स के, जो काफ़ी बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं जो कि बेंड नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें 6 पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं जो वॉकिंग के लिए यूज्ड नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट फोल्ड इट्स विंग्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो आपकी बॉडी कैविटी होती है वो हीमोसिलोमिक कैविटी होती है। अब आप इसको ऐसे समझिए, बॉडी कैविटी होती क्या है, यानी कि जो आपका गट वॉल होता है और जो बॉडी वॉल होता है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसी को कहते हैं बॉडी कैविटी। तो डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह की बॉडी कैविटी पाई जाती है, जैसे कि आपका है सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट, साइजोसिलोमेट, हीमोसिलोमेट। तो इसी तरीके से आपका आर्थ्रोपोडा में जो है वो हीमोसिलोमेट है। अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली समझनी है तो मेरे वीडियोस पढ़े हैं जिसमें ये चीज़ में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो आपका जो आर्थ्रोपोडा है उसमें आपका हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है। एक ऐसा सिस्टम है ये आपके बॉडी कैविटी का जिसमें जो गट और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स और फिर ब्लड से भरा होता है। तो इसी को ऑल टुगेदर मिला के हीमोसील सिस्टम कहते हैं। ये आपका ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, ट्रू सीलोम नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है वो मीसोडर्मल एपिथीलियम से नहीं बनी हुई होती है। यानी कि ट्रू कैविटी होने के लिए लाइनिंग बॉडी कैविटी की हमेशा मीसोडर्म से बनी होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए इस क्वेश्चन से, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आर्थ्रोपोडा हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बैक्स मोरी बिलोंग्स टू द क्लास, तो आपका जो बॉम्बैक्स मोरी है उसको कॉमनली सिल्क वॉर्म कहते हैं। ये क्लास इंसेक्टा का मेंबर है और ये डायशियस होता है, यानी कि इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे। इसलिए क्वेश्चन में आपका यही पूछा है कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, तो आपका ऑप्शन में इंसेक्टा नहीं दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबाउ। रॉक बी इज, तो जो आपका रॉक बी है वो आपका है एपिस डॉर्साटा। इनको जायंट हनी बी भी कहते हैं क्योंकि ये बिगर होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू अदर हनी बीज। इनकी जो हाइव होती है वो बहुत ही टॉल ट्रीज पे, ब्रांचेस पे या रॉक शेल्टर्स पे बनाते हैं ये, और इनसे जो हनी सेक्रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ हनी इज अपटेंड फ्रॉम देयर हाइव्स। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो रॉक बी है वो आपकी काफ़ी फ्यूरियस, यानी कि आपकी बहुत ही क्रोधी नेचर की होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपिस डॉर्साटा इज योर रॉक बी। इसके साथ अदर हनी बीज के भी कॉमन नेम और जूलॉजिकल नेम आप जानिए, एपिस फ्लोरा आपका लिटिल हनी बी है, एपिस इंडिका इंडियन हनी बी, और एपिस मेलिफेरा इज कॉमन यूरोपियन हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज, तो दो हार्मोन्स हैं आपका, एग्डाइसोन और जुवेनाइल हार्मोन, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एग्डाइसोन। सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मॉथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ, तो आपका सिल्क मॉथ में जो सिल्क ग्लैंड होते हैं जिससे सिल्क सेक्रीट होता है वो आपके सलाइवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहीं आपका कोलेट्रल ग्लैंड जो है वो कॉकरोच में फाउंड होता है, और मशरूम ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड्स आपके कॉकरोच में फाउंड होते हैं, और एनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो एनल कैनाल के वॉल पे होते हैं, नॉर्मली ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, ओपोसम, इन सारे चीज़ों में आपके, इन सारे वर्टिब्रेट्स में आपके ये फाउंड होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिल्क ग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अ काइटनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स। इन बीज वैगल डांस इज मेंट फॉर, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। बीज में दो तरह के डांस देखे जाते हैं आपका, टेल वैगल डांस और राउंड डांस। ये सोर्स ऑफ फूड को लोकेट करने के लिए इस तरह का डांस करते हैं ताकि इनके जो कॉलोनी के अदर मेंबर्स हैं उनको आइडिया हो जाए कि जो फूड का सोर्स है वो कहाँ है। अगर फूड का सोर्स जो होता है वो पास होता है, यानी कि आपके 100 मीटर्स से पास होता है, तो ये परफॉर्म करते हैं राउंड डांस। एक तरह से ये सर्कल में टर्न करते हैं, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, तो ये होता है राउंड डांस। और दूसरा होता है आपका टेल वैगल डांस, तो टेल वैगल डांस में ये तब परफॉर्म करते हैं जब
फूड का जो सोर्स है वो 100 मीटर्स से दूर होता है। तो इसमें आपका एंटी, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से इनका डांस होता है। तो ये फूड के सोर्स को लोकेट करने के लिए इस तरह के डांस को परफॉर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सेक्रेटेड बाय द, तो टर्माइट्स आपके सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ऑर्डर आइसोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। तो टर्माइट्स के मिडगट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन्स जिसका नाम होता है ट्राइकोनिम्फा। ये टर्माइट्स को हेल्प करते हैं कि ये वुड में प्रेजेंट जो सेल्यूलोस होता है उसे ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन्स, ट्राइकोनिम्फा और टर्माइट्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है। तो ये आपका एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है और ट्राइकोनिम्फा आपका एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है। टर्माइट्स की बात करें, अगर ये सोशल इंसेक्ट हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि इनके जो ग्रुप है या जो इनकी कॉलोनी है उसमें बहुत सारे लाइफ, बहुत सारे फॉर्म्स देखे जाते हैं, जैसे आपके हनी बीज में। अब आपके हनी बीज में जो होते हैं वो ड्रोन्स होते हैं, वर्कर होते हैं और क्वीन होती है। तो ये आपके पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं। वही अगर टर्माइट्स की बात की जाए तो इनमें क्वीन्स होते हैं, किंग होते हैं, सोल्जर्स और वर्कर्स, ये 4 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स देखे जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, और टर्माइट्स क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपना सपोर्ट भी दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन के साथ। मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस हुआ तो आप रिग्रेट करोगे कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाया। तो मैं प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन कवर करूंगी अलॉन्ग विथ फुल एक्सप्लेनेशन और एडिशनल पॉइंट्स के साथ, ताकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंजेस आए तो आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सको। तो फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन के साथ पार्ट 3 में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।